नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.30% हुई। संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। जेई मेन्स नीट यूजी प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी। सरकार ने राजमार्गों पर टोल भुगतान में किसी भी छूट का लाभ लेने के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। उत्तरी बिहार में अधिकांश नदियों के उफान के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। और क्रिकेट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। दोपहर समाचार में मैं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। देश में कोविड 19 संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 25 दिन में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का 100% है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 76.30% हो गई है। अब तक किए गए एहतियाती उपायों के कारण 24,67,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.84% पर आ गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इस समय देश में संक्रमण के 7,07,267 सक्रिय मामले हैं। कल 1,059 मौतों के साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 59,449 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण से देश में ठीक होने वालों का प्रतिशत भी 76.30% तक पहुंच गया है। डॉ. हर्षवर्धन ने आज राजस्थान में 2 मेडिकल कॉलेजों और 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की 828 करोड़ रुपए की लागत से बनी 5 परियोजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। इनमें भरतपुर तथा भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज भवन तथा बीकानेर, उदयपुर और कोटा में सुपर स्पेशलिटी सेंटर शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के मामले में राजस्थान के प्रयासों को सराहा है। वहीं कहा कि जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा तथा बीकानेर में अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने सभी ब्लॉक में मॉडल CSC विकसित करने का निर्णय किया है ताकि जिला चिकित्सालयों पर भार कम हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कोरोना की मृत्यु दर कम है, वहीं रिकवरी रेट ज्यादा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारत निरंतर अपनी कोविड 19 जांच क्षमता बढ़ा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 8,20,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देशभर में अब तक 3,76,51,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। जांच के बाद संक्रमण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। अब तक कुल जांच का साप्ताहिक औसत 8% के आसपास है। प्रति 10,00,000 जांच का औसत भी बढ़ रहा है, अब यह 26,000 से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट की रणनीति से इस महामारी के नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में कोविड जांच दोगुनी की जाएगी और अगले सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ी है और पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 1,693 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 90% से अधिक है। श्री केजरीवाल ने कहा कि इस समय दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए 14,130 बिस्तर हैं, जिनमें से 10,448 खाली हैं। मध्य प्रदेश में कोविड 19 के मामले बढ़कर 55,695 हो गए हैं।
पिछले 24 घंटों में वहां संक्रमण के 1374 नए मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस संक्रमण से अब तक 1263 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 1074 कोरोना वायरस रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दी गई है। इसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 42,247 हो गई है। प्रदेश में अब 12,185 सक्रिय मामले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 75.8% हो गया है। वहीं राज्य में मृत्यु दर भी घटकर 2.29% रह गई है। इसका एक प्रमुख कारण प्रदेश में कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था शासकीय एवं अनुबंधित निजी चिकित्सालयों में की गई है। प्रदेश में भोपाल का रिकवरी रेट 81% है। वहीं इंदौर में 69%, ग्वालियर में 75% और मुरैना में 94% है। वहीं सप्ताह भर की औसत दैनिक प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया है कि इस अवधि में सर्वाधिक 212 मामले इंदौर में पाए गए हैं। वहीं भोपाल में 138, ग्वालियर में 122 और जबलपुर में 109 मामले सामने आए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तेलंगाना में कल कोविड-19 के 3,018 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये एक दिन में संक्रमण की सबसे अधिक संख्या है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,11,688 हो गई है। इस दौरान 1,060 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल कोविड-19 के 701 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 33,776 हो गई है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में कल 19 और लोगों की मौत होने के बाद मरने वालों की संख्या 654 हो गई है। कल 389 लोगों के ठीक होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या 25,594 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 75.77% हो गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 3 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 967 हो गई है। सरकारी बयान के अनुसार अब तक 464 रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 503 रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा ने अपने लाभार्थियों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सुविधा देने के लिए कल से टेली परामर्श सेवाएं शुरू की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ये सेवा शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य लाभार्थियों से अनुरोध मिले थे। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली NCR के लाभार्थियों को ही उपलब्ध होगी। ये सेवा सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच उपलब्ध रहेगी। इस सेवा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मौजूदा ई संजीवनी मंच का उपयोग किया गया है। लाभार्थियों को अपने मोबाइल नंबर पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। टेली परामर्श के बाद ई प्रिस्क्रिप्शन जारी किया जाएगा, जिसे दिखाकर दवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बकाया ऋण भुगतान पर ब्याज की छूट पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। लॉकडाउन के दौरान 6 महीने तक ऋणों के भुगतान पर ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में रिजर्व बैंक के रवैये ने भ्रम की स्थिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसे इसके अंतर्गत पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं। अदालत ने कहा कि सरकार को केवल कारोबार के बारे में ही नहीं बल्कि लोगों की दुर्दशा के बारे में भी सोचना चाहिए। उसने कहा कि रिजर्व बैंक का अब तक का रवैया उद्योग की चिंताओं से जुड़ा हुआ दिखता है और सरकार इस बैंक की आड़ ले रही है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए महान्यायवादी तुषार मेहता ने कहा कि एक नियामक के रूप में बैंक इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक परेशानी झेल रहे खाताधारकों की पहचान करने के बाद उन्हें कम ब्याज दरों की राहत प्रदान करेगा। रिजर्व बैंक ने 4 जून को कहा था कि अगर ऋण अवधि के दौरान ब्याज माफ किया जाता है तो ऋणदाताओं को 2,00,000 करोड़ रूपये का नुकसान होगा। उच्चतम न्यायालय में मामले की अगली सुनवाई 1 सितम्बर को होगी। असम में बराक वैली के इलाके में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वहां लॉकडाउन घोषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
कोविड 19 का प्रसार रोकने के लिए बराक घाटी के तीनों जिलों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों ने लॉकडाउन के लिए अलग अलग आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे से शुरू होकर 4 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों में केवल दवा दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में अलग थलग दुकानें खोली जा सकेंगी। अत्यावश्यक सेवाएं निर्बाध गति से चलती रहेंगी। पिछले कुछ माह से पूरी घाटी में 2 दिनों का सप्ताहांत लॉकडाउन होने के बावजूद कोविड 19 के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। घाटी में अब तक 10,000 लोग संक्रमित हुए हैं और 50 लोगों की मौत इस संक्रमण के कारण हो चुकी है। हालांकि 5,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। रितेश पाठक, आकाशवाणी समाचार, सिलचर, असम। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड 19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कोविड 19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हाथ धोने और स्वच्छता का कड़ाई से पालन करने की लोगों से अपील की है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.30% हुई। संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। जेईई मेंस और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी। सरकार ने राजमार्गों पर टोल भुगतान में किसी भी छूट का लाभ लेने के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। उत्तरी बिहार में अधिकांश नदियों के उफान के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। और क्रिकेट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। संयुक्त इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा जेई मेंस और चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट यूजी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। जेई मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट यूजी परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जेई मेंस और राष्ट्रीय पात्रता तथा नीट यूजी के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि कर दी है। एजेंसी ने कहा है कि कोविड 19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या जेई मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी 2020 के लिए 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेई मेंस के लिए और लगभग 16 लाख ने नीट यूजी के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट यूजी परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हम छात्र के साथ हैं, पहले उसकी सुरक्षा, उसके बाद उसकी शिक्षा, और सुप्रीम कोर्ट का भी हमको सम्मान करना है, और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार हम पर दबाव बनाए हुए हैं। 7,25,000 छात्रों ने तो कल तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिया है, तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो। सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सभी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश के अनुपालन में डोडा के उप जिलाधिकारी डॉ डी डोईफोडे ने सार्वजनिक निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विभाग को कार्य में तेजी लाने के लिए मजदूरों और मशीनरी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों के चलते जो सार्वजनिक निर्माण कार्य रुके हुए थे वे अब तेजी से शुरू हो गए हैं। 64,46,00,000 रूपये की लागत से स्वीकृत 31 परियोजनाओं में से 3 सड़क और 5 पुल निर्माण के कार्य पूरे हो गए हैं। विभाग अन्य कार्यों को भी समय से पूरा करने के लिए तत्पर है और लगभग 70% कार्य हो चुके हैं। शिक्षण संस्थानों के सुधार के लिए रामसा योजना के अंतर्गत 4 परियोजनाएं हैं, जिसमें 100 बिस्तरों वाला बालिका छात्रावास भी बनाया जाना है। इनमें 2 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है। डोडा संभाग के लिए 3,25,00,000 की लागत से 100 बिस्तरों वाला ओबीसी हॉस्टल बनाने का कार्य पूरा होने को है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सीआरएफ, नाबार्ड, शहर और कस्बे, सड़क, पुल जैसी कई योजनाओं का निर्माण कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ नगर में कल इमारत गिरने की घटना में आज 3 और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। इस घटना में घायल 9 व्यक्तियों का उपचार चल रहा है। रायगढ़ के जिलाधिकारी ने बताया है कि इस इमारत में रहने वालों की उपलब्ध सूची के अनुसार अब मलबे में कोई और व्यक्ति दबा हुआ नहीं है। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई बिक्री पोर्टल तैयार किया है। कृषि विभाग ने एनएससी आईटी के सहयोग से भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र के तहत गुणवत्तापूर्ण जीआई टैग वाले कश्मीरी केसर की उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल बनाया है। कश्मीर घाटी के केसर उत्पादक और देशभर के इसके खरीदारों से ई व्यापार के लिए सैफ्रन ई ऑक्शन इंडिया .com पर पंजीकरण कराने को कहा गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज बंगलुरु से भारत जापान व्यापार मंच को संबोधित किया। अपने वर्चुअल भाषण में मुख्यमंत्री ने उद्योग लगाने के लिए भूमि पर 25% सब्सिडी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश में कर्नाटक का नवाचार सूचकांक बेहतर है। राज्य सरकार ने तुमकुरु के पास 519 एकड़ भूमि पर जापानी औद्योगिक टाउनशिप विकसित की है और इंडो जापान स्टार्टअप विकसित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री येडियुरप्पा ने कहा कि जापानी बाजार में भारतीय स्टार्टअप की अच्छी पहचान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने निवेशकों को क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा सुरक्षा परिषद की बैठक में वक्तव्य दिए जाने के दावे को भारत ने गलत बताया। भारत ने कहा है कि सीमापार आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक अब अपने को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के इस दावे को गलत करार देते हुए कि वो दशकों से सीमापार से आतंकवाद का निशाना रहा, भारत ने कहा है कि 100 बार दोहराया गया झूठ कभी सच नहीं हो सकता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कल कहा कि पाकिस्तान का यह दावा गलत है कि संयुक्त राष्ट्र में उसके प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने आतंकवाद पर कार्रवाई संबंधी महासचिव की रिपोर्ट पर सुरक्षा परिषद में चर्चा के दौरान एक बयान दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने अपना बयान कहां दिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद की बैठक में इसके गैर सदस्य देश भाग नहीं ले सकते। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने न्याय के नाम पर अमेरिका में जारी हिंसा और लूटपाट समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा है कि देश में नस्लीय सद्भाव की आवश्यकता है। रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें देश के इतिहास के कुछ हिस्सों पर गर्व नहीं है। श्रीमती ट्रंप ने कहा कि लोगों को अतीत से सीख लेते हुए भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने पति डोनाल्ड ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने की जोरदार वकालत करते हुए मेलानिया ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और राष्ट्रपति पद के लायक हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप उस कार्रवाई में विश्वास करते हैं जिसका समुचित परिणाम निकले। मेलानिया ट्रंप ने कोविड 19 संक्रमण पर चिंता जताते हुए इस संक्रमण से मारे गए करीब 2.25 लाख अमरीकियों को श्रद्धांजलि दी।
उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। I want to acknowledge the fact that since March, our lives have changed drastically. The invisible enemy, COVID-19, swept across our beautiful country and impacted all of us. My husband's administration will not stop fighting until there is an effective treatment or vaccine available to everyone. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन कल टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। 38 वर्षीय एंडरसन ने इंग्लैंड के साउथैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के अंतिम दिन कल ये सफलता हासिल की। ये मैच ड्रॉ रहा। इंग्लैंड ने 1-0 से ये श्रृंखला जीत ली है। टेस्ट क्रिकेट में एंडरसन से अधिक विकेट लेने वाले तीनों गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन, शेष वॉन और अनिल कुंबले स्पिनर रहे हैं। शेन वॉन, अनिल कुंबले और भारतीय कप्तान विराट कोहली सहित कई लोगों ने एंडरसन को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने खिलाड़ियों से कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने को कहा है। वे दुबई में आईपीएल टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की वर्चुअल बैठक को संबोधित कर रहे थे। I would expect everyone to be on the same page in terms of securing the bubble at all times and making sure that nothing is compromised because I think one mistake from any of us could literally spoil the whole tournament and none of us want to do that. I can't wait to get to our first practice session, something that we all are going to cherish, an opportunity to create a good team culture from day one. 13वां T20 Indian Premier League 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मैच 3 स्थानों दुबई, शारजाह और अबुधाबी में आयोजित किए जाएंगे। बिहार में अधिकांश नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। गंगा नदी का पानी पटना, मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया जिले के निचले इलाकों में भर गया है। नदियों के किनारे रहने वालों को ऊपरी स्थानों पर पहुंचाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 26 टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हैं। 5,50,000 से अधिक बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 5,000 लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 172 सामुदायिक रसोई बनाए गए हैं। लगभग 1.5 लाख लोग प्रतिदिन यहां खाना खाने आते हैं। राज्य सरकार ने राहत शिविर और वैसे स्थानों पर कोरोना जांच तेज करने का निर्देश दिया है जहां लोग भोजन करने आते हैं। 16 जिलों के 83,65,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से जुड़ी विभिन्न दुर्घटनाओं में 37 लोग जान गंवा चुके हैं। गंगा, कोसी, बागमती, कमला बलान और गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर बिहार के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। असम में बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल विभिन्न विभागों के साथ आज शाम गुवाहाटी में बैठक करेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 6 सदस्यीय दल कल से 2 दिन तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगा। इस वर्ष राज्य में 3 बार आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में आज और छत्तीसगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 27 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।
कोलकाता में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 17 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में तापमान 22 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, सामान्य वर्षा हो सकती है। मुजफ्फराबाद में भी सामान्य वर्षा का अनुमान है, तापमान 19 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चंडीगढ़ में भी गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हैदराबाद में तापमान 24 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। गुवाहाटी में भी सामान्य वर्षा हो सकती है, तापमान 26 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ मिलकर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। ये डॉल्फिन एक विशेष प्रजाति है जो मुख्य रूप से एशिया और दक्षिण अमरीका की नदियों में पाई जाती है। ये प्रजाति तेजी से लुप्त हो रही है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जंतु गांगे डॉल्फिन को प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा लुप्त प्राय घोषित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित एक संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से इस डॉल्फिन के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की। विशेषज्ञों का मानना था कि डॉल्फिन संरक्षण के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के साथ सामुदायिक भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने छात्रों को डॉल्फिन के बारे में जानकारी देने और इस बारे में समग्र जागरूकता पर भी चर्चा की। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 दलवास, नाशुरी और पीढ़ा में चट्टाने खिसकने के बाद आज दूसरे दिन भी बंद है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी को पूरे देश से जोड़ने वाला ये मार्ग कल सवेरे दलवास में भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया। इसके कारण आवश्यक सामग्री ले जा रहे वाहन मार्ग में फंसे हुए हैं। राजमार्ग को खोलने के प्रयास जारी हैं। तेज बारिश के कारण कार्य में बाधा आ रही है। यातायात पुलिस ने लोगों से स्थिति का जायजा लेने के बाद ही रामबन, जम्मू, श्रीनगर और उधमपुर मार्ग पर यात्रा करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। राज्य के अपर मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर किसी भी तरह के जुलूस और झांकियां निकालने पर रोक लगा दी है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री अवस्थी ने कहा कि इस आदेश का हर हाल में पालन होना चाहिए। एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये सारे प्रतिबंध इस आशंका को देखते हुए लगाए गए हैं कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। गुजरात सरकार आगामी विधानसभा सत्र में गुजरात भूमि कब्जा निषेध विधेयक लाएगी। इस आशय के प्रस्ताव पर आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विचार होगा। प्रस्तावित अधिनियम में विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान होगा जो अधिकतम 6 महीने की समय सीमा में जमीन हड़पने संबंधी विवादों का निपटारा करेंगे। प्रस्तावित अधिनियम में भूमि के मूल्य के बराबर जुर्माने के अलावा 10 से 14 वर्ष की जेल का प्रावधान होगा। सरकार प्रत्येक विशेष अदालत में सरकारी वकील की नियुक्ति करेगी जो स्वतः संज्ञान के आधार पर जमीन हथियाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.30% हुई। संक्रमण के कुल सक्रिय मामलों की तुलना में इस समय लगभग 3.5 गुना से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। जेई मेंस और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी। सरकार ने राजमार्गों पर टोल भुगतान में किसी भी छूट का लाभ लेने के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। उत्तरी बिहार में अधिकांश नदियों के उफान के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ा।
मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की। और क्रिकेट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स हेंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।